माखन गुर्जर है, मैं कक्षा 9 पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कहानी का नाम है व्यवहार का ज्ञान। एक गांव की 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गईं। पानी भरते समय चारों महिलाएं इधर उधर की बातें कर रही थी। कुछ समय बात करने के बाद वे अपने बेटों की तारीफ करने लगी। पहली महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है, वह संस्कृत विषय का विद्वान हो गया है। बड़े से बड़ा ग्रंथ उसे मुझे जवानी याद है और वह बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी करने लगा है। दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने विज्ञान की पढ़ाई की है, वह वैज्ञानिक बन गया है और एक दिन सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। तीसरी महिला भी बोली, मेरे बेटे ने अच्छी शिक्षा ली है, वह शिक्षक बन गया है और दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने जाता है। चौथी महिला यह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बाकी महिला से रहा नहीं गया और उन्होंने उसे पूछा, बहन तुम भी बता, तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है? वह बोली, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वह खेतों में काम करता है। यह सब बातचीत होने के बाद चारों महिलाएं पानी का घड़ा लेकर अपने घरों की ओर चलने लगीं। तभी पहली महिला का बेटा आता दिखाई दिया। उसने अपनी माँ के साथ अन्य महिला को नमस्कार किया, आगे चला गया और दूसरी महिला और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले, सभी को नमस्ते करते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद चौथी महिला के बेटे ने जब रास्ते में अपनी माँ को सिर पर पानी का घड़ा लेकर आते हुए देखा तो दौड़कर आया और उसी से घड़ा उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई? मुझे कह दिया होता, यह है कि वह घड़ा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल दिया। तीनों महिलाएं देखती रह गईं। शिक्षा जिंदगी में किताब का ज्ञान ही काफी नहीं होता, बालकों में व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए।